नमस्कार, जम्मू परिवर्तन में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ रूपाली शर्मा। 12वीं के परिणामों की बात करें तो जो है वो निकल चुके हैं और जो जितने भी 12वीं के परिणाम हैं वो बाहर आ चुके हैं और अब जो है साथ ही साथ जो है कॉलेजेस में जो है एडमिशन की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं। तो आपको बता दें कि BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स जो है उन्होंने भी जो है अपनी रजिस्ट्रेशन की डेट जो है 19 जुलाई से जो है रखनी शुरू कर दी है। जी हाँ, जो बच्चे भी BSc नर्सिंग और साथ में जितने भी मेडिकल कोर्स हैं वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो 19 जुलाई से जो है उनकी रजिस्ट्रेशन खुल जाएगी और 19 जुलाई से बच्चे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको बता दें कि कहाँ का कौन कौन से जो फील्ड्स हैं उसमें रजिस्ट्रेशन खुली है, तो वो है BSc नर्सिंग, साथ में पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी, जितने भी कोर्सेज है टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज उसमें जो है अब एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि 12वीं के परिणाम निकल चुके हैं और परिणाम निकलते ही बच्चे अब एडमिशन्स लेंगे कॉलेजेस में। तो आपको बता दें कि अब जो है इन जो फील्ड्स के लिए जो है रजिस्ट्रेशन जो है ओपन हो चुकी है। तो आपको बता दें कि इनका जो है एंट्रेंस एग्जाम की रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 19 जुलाई 2021 से निकली है। जाके आप रजिस्ट्रेशन अपने फॉर्म भर सकते हैं एंट्रेंस फॉर्म, एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके लिए फिलहाल अभी कोई डेट नहीं आई है। लेकिन जो बात करें 12th क्लास के जो बच्चे हैं वो जाकर एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि अब जो है परिणाम जैसे जिस तरीके से बाहर आए हैं तो एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो भी कॉलेज द्वारा खोल दी गई है। तो इसके चलते अब एंट्रेंस एग्जाम जो है 19 जुलाई से जो है उसकी रजिस्ट्रेशन डेट जो है सामने आई है। आपको बता दें कि 12th क्लास बच्चे जो है जो पास हुए हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है, जो आखिरी तिथि है, वो 7 अगस्त 2021 तक है। जी हाँ, आपको बता दें 19 जुलाई से 7 अगस्त तक जो है रजिस्ट्रेशन जो है उसके लिए डेट्स खुली हुई हैं। आप जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और साथ साथ आपको बता दें कि बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने इसकी जो है सूचना जारी कर दी है और जो भी अब पैरामेडिकल कोर्स करना चाहता है, टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज करना चाहता है या BSc नर्सिंग में आगे पढ़ाई जो है फर्दर स्टडीज़ अपनी करना चाहता है तो वो एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अभी जो है फिलहाल एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट जो है 19 जुलाई से खुल चुकी है। तो आपको बता दें कि साथ ही साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जितने भी बच्चे हैं अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है डोमिसाइल डॉक्यूमेंट होना, जो डोमिसाइल है उसका होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जहाँ हम बात करते हैं कोरोना की, तो लगातार जो है कोरोना के भी बात हमेशा चलती ही आई है और स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो हमेशा जो है अभी तक जो है बंद रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जहाँ पिछले साल जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ था, अब इस साल जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और कोरोना के चलते पिछले साल एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, लेकिन जो 12th क्लास स्टूडेंट्स थे जो इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते थे उनकी जो एडमिशन है वो मेरिट बेस्ड पे डिसाइड हुई थी। लेकिन इस बार जो है एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे, एंट्रेंस के एग्ज़ाम जो है वो लिए जाएंगे। आपको बता दें साथ ही साथ टेस्ट की डेट जो है वो बाद में घोषणा की जाएगी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है उसकी डेट कब निकलेगी और जिस तरीके से निकलेगी हम आपको सूचना आगे बता देंगे, अपडेट करते रहेंगे इसके रिलेटेड। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि बोर्ड के कंट्रोलर जो हैं प्रोफेसर सुनील गुप्ता जी, उन्होंने कहा है कि जिनके पास डोमिसाइल डॉक्यूमेंट नहीं है वो काउंसलिंग के दौरान जो है अपना ये आवेदन जो है जब करवाने जाएंगे और काउंसलिंग जब होगी तो उस टाइम जो है ये उपलब्ध करवा सकते हैं। उस टाइम आपको बताना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो उस समय वहाँ पर काउंसलिंग के दौरान जो है उस चीज़ पर ध्यान दिया जाएगा जिन लोगों के पास डोमिसाइल डॉक्यूमेंट नहीं है। क्योंकि बात करें 12th की, तो अभी जो बच्चे हैं जहाँ स्टेट सब्जेक्ट बने थे और अब जो है डोमिसाइल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो डोमिसाइल डॉक्यूमेंट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो ये चीज़ की खास तरीके से ध्यान दिया जाए। आपको बता दें कि साथ ही साथ अभी 12th में जिन बच्चों के 12वीं में 45% जो है मार्क्स आए हैं वो भी एडमिशन ले सकते हैं। BSc नर्सिंग जो है वो 4 साल की है जिसमें करीबन जो है 2200 सीटें निकली हैं। तो बच्चे जाकर अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन जो डेट निकली है 19 जुलाई से वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको एक बार फिर बता दें कि BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्सेज और जितने भी टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज हैं उनमें जो है तिथि रजिस्ट्रेशन की निकली है। साथ ही साथ आपको बता दें कि लास्ट डेट जो है वो 7 अगस्त 2021 रहेगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जितने भी बच्चे हैं डोमिसाइल डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और 12वीं में जिनके 45 अंक आए हैं वो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और आगे जो है रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकते हैं। ये फिलहाल जो है अपडेट निकल रहा था बच्चों के एडमिशन के लिए जहाँ कोरोना के चलते पिछले साल भी जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, तो इस साल जो है अब एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि डेट्स निकल आई हैं, डेट्स हमने आपको बता दी हैं कि 19 जुलाई से जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है, एग्ज़ाम्स की डेट जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल
होने के बाद ही पता चलेगी। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।